हेलो सामकम दोस्तों यार क्या हाल है आज की स्वीर हम एस 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 कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंसी के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे ठीक है सो चले पहले जानते हैं कि कंडीशन कहती क्या है ठीक है सो वेयर ऑल द साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल इज एग्जैक्टली द सेम एज अदर ट्रायंगल सच ट्रायंगल आर सेट टू बी कॉन्ग्रुएंस कॉन्ग्रुएंट ठीक है कॉन्ग्रुएंट पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि भाई कॉन्ग्रुएंट क्या होता है कॉन्ग्रुएंट यानी कि कोई ऐसी दो शेप्स हों या कोई दो ऐसी फिगर्स हों जो कि आपस में आइडेंटिकल हो ठीक है यानी कि उन फिगर्स की साइज़ भी सेम हो और शेप भी सेम हो ठीक है साइज और शेप अगर सेम है दो फिगर्स की तो वो दो फिगर्स जो है वो कॉन्ग्रेंट फिगर्स कहलाई जाती हैं ठीक है थीके? अच्छा तो अब ये क्या कह रहा है कि हमारे जो दो ऐसे ट्राइंगल्स हों जिनकी तमाम की तमाम साइड्स आपस में एक दूसरे से मैच करती हो या आइडेंटिकल हो तो वो दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट कहलाएंगे ठीक है जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैंने एग्जांपल दी हुई है अब ये वाली साइड फोर सेंटीमीटर इस ट्रायंगल की तो ये वाली साइड भी इस दूसरे ट्रायंगल की फोर सेंटीमीटर है ठीक है अब वाली साइड अगर एट सेंटीमीटर है यहाँ पर तो ये साइड यहाँ पर भी एट सेंटीमीटर है ठीक है तो यहाँ पर भी फाइव सेंटीमीटर ये है और यहाँ पर भी ये फाइव सेंटीमीटर है तो यानी कि ये दो जो ये दो ट्राइंगल हैं ये आपस में आइडेंटिकल हैं ठीक है क्या है आइडेंट ठीक है तो इसका मतलब कि ये दोनों कॉन्ग्रोडेंट हैं ठीक है थीके? तो सो एस एस कंडीशन बेसिकली ये कहती है अगर इन शॉर्ट और सिंपल अगर हम मैं इसको एक्सप्लेन करूँ कि भाई अगर आपके ट्राइंगल की तमाम साइड्स जो है बराबर हैं दूसरे ट्राइंगल की साइड्स के ये सेम एग्जैक्टली वही हैं जो कि पिला ट्राइंगल की जो साइड्स हैं और एग्जैक्टली सेम दूसरे ट्राइंगल की भी वही साइड हैं तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रोडेंट हैं ठीक है सो दिस इज़ इट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैव अ ग्रेट डे एन अल्लाह आफिस